पूरा देश लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हर कोई परेशान है, लेकिन इन्हीं लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर ये यकीन हो रहा है कि कोरोना हमारे देश में हार जाएगा। जल्दी जल्दी खाना खाते इस इंसान से कोई अन्न का महत्व पूछे। बिहार का रहने वाला ये शख्स पिछले दो दिनों से भूखा था। गुमला में काम करता था और वहाँ से पैदल रांची आ गया। आज पुलिस वाले को जब इसने अपनी पीड़ा बताई तो पुलिस वाले ने भी अपने हिस्से का खाना उसे परोस दिया। इसने भी कभी ऐसा चेहरा शायद ही किसी पुलिस वाले का देखा होगा। इनसे खाना नहीं खाए हैं, गुमला से आया हूँ, मालिक हमें निकाल दिया है और हमें कटिहार जाना है। तो सबसे पहले इसको छह हमें लाए और डिटॉल से इसको हाथ धिलाए, बोला खाना सर चावल खाने का इच्छा है। तो हमारे पास चावल था टिफिन में, तो हमने इसको ऑफर कर दिए क्योंकि हम सुबह डेरा से नाश्ता करके आते हैं, फिर शाम को जाएंगे तो घर पे खा लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसमें इसको खाना खाने से संतुष्टि हो जाएगा। अरे हम तो गुलमा में रहते थे गाड़ी पे, मेरा घर है मोतिहारी। ए कोरोना, देख इस तस्वीर को तू, क्या बिगाड़ेगा हमारे मुल्क का। यह दूरी की मजबूरी भी इंसानियत को दूर नहीं कर पाती। तू क्या, तेरा वजूद क्या, इस प्यार को तू भी तरस जाएगा। ए वायरस, इस पत्रकार से पूछ, अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत भी साथ लेकर चलता है। हमारे यहाँ आम आदमी भी आपदा के मौके पर आम नहीं रहता। वासुदेव कुटुंबकम हम सिर्फ बोलते ही नहीं, उसे ग्रहण भी करते हैं। तू अपनी पूरी ताकत लगा ले, लेकिन हम भारतीयों को हरा नहीं पाएगा। ऐसा देखने को मिला जिनको खाना नाश्ता नसीब नहीं हो पा रहा, तो हम लोग उतने बड़े तो, लेकिन जितना भी शक्ति हो 100-150 रुपए का पास्ट्री क्रीम वाला पास्ट्री लेके निकलते हैं, ताकि जो लाचार, अधिकतर लाचार जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं जिनका दांत मुश्किल होता है चबाने में, ये सब। तो हम, मुझे लगा कि मैं पावरोटी और केक ले सकूं और उनको नाश्ता खाने में कुछ तो कमी, कुछ तो मदद हो जाएगी। हमारा रूटीन है कि ऐसे जो भूखे मंद लोग हैं उनको डेली कम से कम मिनिमम जितना पेट भर सकें और मैक्सिमम पेट भर सकें, ये हम लोगों का थॉट है और ये आज तो कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम लापरवाह हैं या फिर लापरवाही बर्दाश्त करने वाले। जब कुछ लोग सड़कों पर मस्ती करते हैं तो यही पुलिस वाले सख्ती भी दिखाते हैं। आप और हम मिलकर इस कोरोना वायरस को एक दिन हरा देंगे, फिर से इंसानियत की जीत होगी। लेकिन इस बीच ये भी ध्यान देना है कि इस दौरान कहीं इंसानियत न हार जाए। हर कोई अपने हिस्से का फर्ज अदा करे, यही सच्ची देशभक्ति भी होगी और पूजा भी। संकट के इस घड़ी में पूरा देश एकजुट है और यही वजह है कि जहां रांची पुलिस का वो चेहरा जिसे हम कैमरे के सामने लेकर आए थे कि अपना टिफिन उन्होंने जरूरतमंदों के बीच में शेयर किया, और हम उम्मीद करते हैं कि समाज में इस तरह के चेहरे और आगे आए और जो जरूरतमंद हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है इस संकट की घड़ी में, उनके लिए ऐसे हाथ आगे आए। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। वायरस से बचाव को लेकर सड़कों पर लॉकडाउन किया गया है, वहीं कड़ी धूप में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद है। ऐसे में उन्हें चाय पानी को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हीरापुर इलाके से कुछ महिलाओं ने इनकी पीड़ा को देखते हुए इनके लिए चाय और बिस्किट उन तक पहुंचाने का काम किया है। न्यूज 11 भारत भी आपसे अपील करता है कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम भी कुछ अपना योगदान दें। प्रशासन इतने उत्साह से और इतने कष्ट करके भी और ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी उसमें थोड़ा सा भी योगदान हो, और इसलिए हम लोग अपने घर से चाय और नाश्ते का प्रबंध करके निकले हैं। और ये हम लोग पानी टंकी, हीरापुर हटिया मोड़ और इधर स्टेट बैंक, जगदीर वर्मा चौक, कम्बाइंड बिल्डिंग तक जाने का।